इस साइड से आप देख रहे होंगे कि पूरा पुल फाइनल कर दिया गया है। देख रहे होंगे भाई, डॉल्फिन पार्क और पार्किंग का जो है जगह वही वहाँ पे किया जाएगा। देख पा रहे, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अभी हम लोग अभी खड़े हैं ये बीच गंगा में है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि चारों साइड आपको पानी ही पानी दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग देख पा रहे होंगे कि इस साइड केबल किया जा रहा है, बहुत सारे वर्कर हैं। गाइस अभी हम लोग पूरा बीच गंगा जो है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो कुछ भाई लोग भी हैं जो हम लोग के साथ ऊपर की ओर जाया जा रहा है, देख पा रहे होंगे। तो अभी ब्यूटीफुल पीपल की हालचाल, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए अपडेट के साथ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड ये स्ट्रक्चर को पुल, इस पर भी एक ब्लॉग आ चुका है। ये सुल्तानी अगवानी जो अप्रोच रोड और गंगा ब्रिज जो बनाया जा रहा है वही अभी आप देख पा रहे होंगे। तो देख रहे होंगे कि पिछले वाले ब्लॉग में ये पाया कंप्लीट नहीं किया गया था, तो मेरे ख्याल से एक महीना या उससे भी कम हुआ है। देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा अभी काम बचा हुआ है इधर भी, और इधर बहुत सारा अभी पाया सिर्फ पानी में बचा हुआ है। जो पानी में है उसमें थोड़ा सा देर होता है काम करने में, देख ही पा रहे होंगे। तो किया जा रहा है, और मेरे ख्याल से 15 दिन होते होते, 15 से 1 महीना होते होते इस पाया को इस पाया में जोड़ दिया जाएगा। देख पा रहे होंगे कि पूरा फाइनल कर दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप इसे किया जा रहा है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि इधर लाल मिट्टी का जितना भी काम किया बचा हुआ था अप्रोच रोड का, वो कंप्लीट कर दिया गया है। और देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा ये मिट्टी का और बोरा में कर करके रख दिया गया है। देख पा रहे होंगे बहुत लंबा लंबा दूर तक है, जहाँ तक आपको रोड दिख रहा होगा वहाँ तक इस साइड भी बिछाया गया है। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट कर दिया गया है। अब इस पर हो सकता है तो काला वाला मिट्टी और पत्थर का जो मिक्सचर आता है उसे डाला जाएगा, उसके बाद इस पर पिचिंग किया जाएगा। देख पा रहे होंगे तो ये भाई 4 लाइन होने जा रहा है, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन आप देख पा रहे होंगे कि उस साइड से गया हुआ है। देख पा रहे होंगे उधर जाके पुल में मिलने वाला है। तो पुल भी 2 लाइन है, 2 लाइन के मतलब ये रहा, एक साइड से आप जा सकते हैं और एक साइड से आ सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है, देख पा रहे होंगे। तो आप देख ही रहे होंगे कि इस साइड भी कंप्लीट कर दिया गया है, देख ही पा रहे होंगे। और ये जो है ये साइड हम लोग आ चुके हैं, सुल्तानगंज साइड उधर था, हम लोग अभी आए हुए हैं अगवानी साइड। तो देख पा रहे होंगे अगवानी साइड से 4 लाइन गई हुई है, और ये जाके पसराहा में, पसराहा के पास जो हाईवे है उसमें ये जोड़ दिया गया है। अभी आप देख पा रहे होंगे पुल को, तो 2 लाइन भाई पिछले वाले ब्लॉग में बताए हुए थे कि पुल जितना भी है वो सारा कंप्लीट कर दिया गया है, और सिर्फ बचा हुआ है तो पिचिंग और लाइटिंग जो है इलेक्ट्रिक का काम वो बचा हुआ है, और पिचिंग बचा हुआ है, और जो साइड में बैरियर है एक बैरियर तो डाल दिया गया है, और साइड में जो बैरियर डाला जाएगा बस वही बचा हुआ है। बस शेष सारा जितना भी ढलाई वगैरह सारा कंक्रीट का काम था वो सारा कर दिया गया है। बस पुल और अप्रोच रोड जो है इधर हाईवे का बस वही बचा हुआ है बस जोड़ने के लिए, और अप्रोच रोड जो जैसा कि अभी पीछे आप लोगों को बताया कि पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगवानी साइड पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, सिर्फ अभी पीछे आप लोगों को बताए थे कि पिचिंग और अप्रोच रोड और पुल को जोड़ा जाएगा। वो जो पुल जो जिसपे लटकाया जा रहा है केबल जो है, जो रीढ़ का बोल सकते हैं हम लोग का जो शरीर का मेन बैलेंस जो करता है वो अपना रीढ़ का हड्डी करता है, तो उसी तरीका से इसमें भी किया जाता है। जो केबल है यही केबल के द्वारा लटकाया जा रहा है, देख पा रहे होंगे। मेरे ख्याल से एक केबल 16 mm का हो सकता है, 16 बोलते हैं भाई, 20 से 26 mm तक का है, 20 से 26 mm का रड जो आता है ना, तो उतना ही मोटा ये भी केबल है, ये स्टील का है भाई। और देख पा रहे होंगे कि इसी केबल के द्वारा पूरा
जो पुल का है बैलेंस लटकाया गया है, बांधा गया है, बोल सकते हैं पुल का जो रीढ़ का हड्डी का जो काम करता है यही केबल के, यही केबल है पुल का, जो रीढ़ का हड्डी है यही केबल, बहुत ही तगड़ा है भाई, बहुत ही मजबूत है, देख पा रहे होंगे तभी। तो अभी हम लोग चढ़ चुके हैं लिफ्ट पे और लिफ्ट के द्वारा ऊपर जाया जा रहा है और सामने भी दिख रहा होगा कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है भाई व्यू। तो कुछ भाई लोग भी है जो हम लोग के साथ ऊपर की ओर जाया जा रहा है, देख पा रहे होंगे। तो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके दिखाते हैं कि कितना काम हुआ है नहीं हुआ है। भाई सभी आप देख पा रहे होंगे कि पुल का क्या एकदम स्थिति है और यहाँ से भाई क्या कातिलाना भाई व्यू है, क्या ही बताएं इसके बारे में भाई, वर्णन ही नहीं कर पा, इतना खूबसूरत है मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है भाई। देख पा रहे होंगे इस साइड माँ गंगा है और इस साइड आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा हरियाली है। और अभी हम लोग पुल के ऊपर आ चुके हैं लिफ्ट के द्वारा, देख पा रहे होंगे कि इधर इस पाया और इस पाया को जोड़ा जाएगा, इसके बीच में एक पाया है, बस इस ये दोनों को जोड़ा जाएगा तो पूरा जुड़ जाएगा। देख पा रहे होंगे इधर भी भाई कितना बड़ा बड़ा मशीन है, क्रेन है, इधर भी काम किया जा रहा है। तो अभी आप लोग को उस साइड भी दिखाएंगे, तो पहले आप इधर देख लें कि भाई कितना ज़्यादा काम हो रहा है, वाह क्या ही बताएं भाई। तो बहुत ही फास्ट है काम भाई, ये नहीं हम बोल सकते हैं कि स्लो है काम, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अभी हम लोग वर्कर से भी बात करेंगे क्या काम हो रहा है, कितना दिन में पूरा होगा, देखिए। तो हम लोग चलते हैं अभी उस साइड, तो देख पा रहे होंगे कि इस साइड माँ गंगा है भाई और उधर सूरज मामा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और इस साइड से आप देख पा रहे होंगे कि उधर पुल जो है वो कम्प्लीट कर दिया गया है और बैरियर और पिचिंग का काम स्टार्ट है, और ये सारा चीज़ करने के बाद इलेक्ट्रिक का काम स्टार्ट किया जाएगा। पुल का जो है मेन बीच गंगा में, तो उसका जो वजन जो संभाला जा रहा है, देख पा रहे होंगे कि भाई कितना मोटा मोटा यहाँ पे भाई रड दिया गया है, इस पर ताना देख रहे होंगे, ताना कितना तगड़ा दिया गया है भाई। मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का काम किया जा रहा है, देख पा रहे होंगे कि एक तरह का ये बोल सकते हैं ताना, तो इतना ही पता है। तो अभी हम लोग वर्कर से भी पूछ रहे हैं, सर आप समय बताइए कि ये जो मशीन है इसे क्या कहा जाता है और इस मशीन के द्वारा क्या काम किया जाता है और कैसे किया जाता है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा हमारे जनता को बताएं। तो आप ये देख रहे हैं उसको ले अच्छा बोल रहे हैं, उसके बाद हमारे सामने दिखाई दे रहा है पावर टेक, यही जैक है, आइए अच्छा इधर ये जैक है ना, ये होस लगाते हैं हम लोग, होस इससे टाइट वाइट करते हैं, लेंचर बनाते हैं। अच्छा मेन पावर ये केबल देख लीजिए, अच्छा मेन पावर केबल यही है, इसी के द्वारा ये पुल जितना भी है लटका होगा ना, इसी यही ना। तो हम आपको बताए थे कि इसी केबल के द्वारा लटकाया जाता है पूरा पुल का जो वजन है इसी पे है, तो ये तो पूरा वजन थाम है, पर ये जो आप बड़ा वाला जो व्हाइट वाला जो पाइप लगाए हुए हैं, हाँ, तो दोनों, अच्छा दोनों को बराबर बांट दिया गया है ना, अच्छा दोनों बराबर है ना, अच्छा अच्छा। तो आप और एक चीज हमें बताएं कि ये चीज जो अभी देख रहे हैं दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो दोनों को जोड़ने में कितना समय लगता है? दोनों का बुलिंग लगाते हैं हम लोग, पहले बुलिंग का डब्बा आता है, उसके बाद दो तरह का डब्बा आता है, उसको दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करके इसको लगा के फिर सटाते हैं। अच्छा सटा तो दिए, ठीक है, तो कितना दिन इसको छोड़ना पड़ता है? तीन दिन। अभी तो केवल डाल रहे हैं, कितना टाइम लगेगा केवल डालने में तो कर नहीं सकेंगे, इसका कोई अभी बहुत दिक्कत में जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो हमें केबल भी थोड़ा सा दिखाएं कि केबल कैसे डाला जाता है और कितना है होल। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो पुल का जो मेन पार्ट है जिसपे पूरा जो पुल पे जो पूरा पुल का भार आएगा केबल पे, उसी केबल को देख पा रहे होंगे कि एक होल है उसी के अंदर डाला जा रहा है, जिससे पूरा ताना एक तरह से हम बोल सकते हैं तान के पूरा सीधा किया जाता है। देख पा रहे होंगे पूरा केबल को एक दूसरा से जोड़ के टान के किया जाएगा, तो देख रहे होंगे कि बहुत सारा वर्कर लोग हैं जो बहुत ही एकता से काम कर रही है, तो हमें भी बहुत खुशी मिलता है ऐसा काम देख के। तो देख रहे होंगे पा रहे होंगे कि यही केबल के द्वारा अंदर जाया जा रहा है,
देख पा रहे होंगे कि यही होल है जिसके अंदर बहुत सारा केबल जाया जा रहा है। तो कितना केबल जाना चाहिए सर? 12। तो 12 केबल इसके अंदर डाला जाएगा। अभी 2 डाल दिया गया है, तीसरा डाला जा रहा है। तो अभी 9 केबल और इसके अंदर जाएगा। देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया से काम किया जा रहा है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड केबल किया जा रहा है। बहुत सारे वर्कर है जिनके द्वारा केबल को डाला जा रहा है। देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा लंबा केबल है। वाह गाइस, क्या ही बताएं, पूरा ऑसम दिख रहा है ब्रो, ऑसम। बीच गंगा में आ चुके हैं और बीच गंगा में जो पाया का काम चल रहा है, देख पा रहे होंगे कि कितना काम हो चुका है। बस इस पाया से लेके वहां तक जोड़ा जाएगा, उस पाया पे भी काम हो चुका है। तो अब करते हैं गाइस कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यार सा एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसा ही मस्त सा एक वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू।